जयपिम साथियों, मैं फलजिंदर तू अज असी पहुंचे हैं फलौर के नाल दे पिंड मठड्डा खुद दे विच, और अज असी तुहाडे नाल मुलाकात कराण जा रहे हैं बनारसी दास गिंडा जी दी, जो कि इंग्लैंड दे विच रहिंदे होए भी अज अपने पंजाब दे नाल पूरे दिलों है मतलब पक्की तरह जुड़े हुए ने, और बाबा साहब जी नूं मुख रखते हुए यह समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। सो इन्हां दी बहुत वड्डी समाज नूं देना, आओ जी इन्हां नाल गलबात करते हैं। सो जय भीम सर। जय भीम जी, मैं सारे नूं जय भीम कहना। हाँ जी सर, तुसीं अपने पंजाब दे विच जदों आउंदे हो ते किहड़े किहड़े साडे समूह दे विच आए, तुसीं स्कूल हैगे ते उहनां नूं स्पोंसर कर रहे हो, किहड़े किहड़े स्कूल ने? भारत दे विच चार स्कूल हैगे जी, इक ते हरगोबिंदपुर तनाव हो गया, एक नवांशहर हो गया उत्थे बुद्ध विहार भी है, तो एक हैगा अपने हुशियारपुर आनंदगढ़, तो चौथा हैगा महाराष्ट्र वारधा जिला आ, तो पिंड का नाँ है पुलगाम। ये चार ही स्कूलों असं काफ़ी देर तो स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जिनी देर है उन्नी देर असं मिशन अगे लैके चलते रहें। और इन स्कूलों स्पॉन्सर करन दा तुहाडा मतलब मुख मकसद की है? उसका मकसद यही है कि बच्चे पढ़न लिखन, बाबा साहब के मगर लगन, जोड़ा वो साढ़े लिए इन्ना वाला कारवान छड गया, साड़ी कोशिश है कि असं उन्होंने अगे नू लैके जाइए, जिदा बाबा साहब ने कहा कि मैं बड़िया मुश्किल ना इतने इस कारवान किसी भी तरह पिछे ना जा, अगे ना जा सके तो इनू तो पिछे ना जाए, इन्ना ख्याल रखना। सो वो साड़ी कोशिश हैगी, बाकी सारे लोगों जागरूक करते हैं, सारे पिंड जिते भी जाने हैं हर एक नाल ही असं गल करते हैं कि आओ इधर तो बाबा साहब के पिछे लगो, यही एक साढ़े लिए है, और साढ़े लिए कुछ नहीं होया, और साडा जिहड़ा सुधार होया वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जिन्हों असं कदे नहीं भुल सकते, उन्हों का कर्जा ही सारी उम्र। और अज के टाइम के 9 तरीक नूं दिल्ली के संसद मार्ग से कुछ लोगों वालों जिदा कि संविधान को अग्नि भेंट किया गया, सो ये बारे तुम की कहना चाहते? संविधान को अग्नि भेंट करना यह बहुत माड़ी गल है, कुछ लोगों का बस वह जहाँ हैगा वो कट्टरवादी है, हिंदू कट्टरवादी है, तो वो कदे नहीं इस सहन करते, पर असी यदा डट के विरोध करते हैं, ये बहुत माड़ी गल है, बहुत निंदा वाली गल है, ये होना नहीं चाहिए। संविधान सिर्फ कल साडे लोगों ने सारे भारत वास्ते, अज साडी दुनिया के बच्चे जी पहचान है वो भारत के संविधान करके आ, और भारत का संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कल्या ने, पांचों मैंबर होर से जेडे किसी एक मर गया, किसी को पानी नहीं बचा, कोई कितने चल गया, और डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने सेहत ना ठीक होने के करके भी उन्होंने इन्नी मेहनत देना, वह दो साल से 11 महीने से 18 दिनों के उन्होंने कंप्लीट करके ये सानू दिता, ये अब अभी बहुत कदर करते हैं, और असं नहीं कदर करते, सारी दुनिया कदर करती है, अमरीका जिथे पिछे ज जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी उन्होंने 300 साल उन्होंने अपना किया छोटा, वो उन्होंने देखा कि कहे स्टूडेंट जोड़े है अच्छे रह गया, उन्होंने 6 स्टूडेंट उन्होंने चुने थे, 6 स्टूडेंटों के नंबर 1 जोड़े से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और उतों के जोड़ा प्रेजिडेंट जो भी कहना भी सूँ इस बंद से इस डॉक्टर इन्ना जो बलवान होया है ये सू बहुत माण है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो जिदा कि असी पिछे भी देखा कि एक तुम दीवार उत्ते बाबा साहब जी का सबूत लगाया हुआ, और उन्होंने ना हम दूसरी इस दीवार के उत्ते पेंटिंग करवाई हुई, और यदा मतलब थोड़ा इदा करने का की मकसद है? ये साढ़े को सारी जगह वेली पई सी, तो यह हैगा मेन रोड, तो मेरी फिर ये कोशिश मैं क्या भी होगा इन्होंने एक इतने फ्लैक्स बाबा साहब का लाया जाए, ताकि सारी दुनिया जी इतों की लंघ रही हैगी देख सकन, कुछ साढ़े लोग भी जोड़े बहुत दिन वाले बाबा साहब का फर्क नहीं है, उन्होंने बतेरी कोशिश करती है, तो फिर मेरा मकसद यही है भी सारे लोग इतने लगे और देख उन्होंने पता लगे बाबा साहब कौन हो गया कि उन्होंने मदद ले की। हैगा कि बाबा साहब जरा अपना संविधान लेके जोड़े भारत के पहले राष्ट्रपति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने दे रहे हैं, तो सू सारे मगर ध्यान देना चाहिए और ये मगर लगना चाहिए। सो हुण असीं पहुँच चुके हैं फलौर तो 10 किलोमीटर दूर के पिंड तरखाण मजारा के जिथे कि अशोका बुद्ध विहार, और इस बुद्ध विहार के गलबात करते हैं की भूमिका निभाई है? हाँ जी सर, हाँ ये जरा बहुत अशोका बुद्ध विहार बनया है, 3 साल ही होएगा, तो मैं मेरा पिंड एक्चुअली मठड्डा कोल है, तो मेरे को पंत जी आए थे लुधियाने तो भी तक्षला तो,
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਲਵਣ ਤੋਂ ਭੰਤ ਚੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਤ ਚੰਦਰ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੂਜੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਈਆਂ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ